चैनल ट्रैवल विद तेजस्वी। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग प्लेस के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ आप आपकी ट्रिप प्लान कर सकते हो एंड उसका नाम है सिलवासा। सिलवासा ये एक बहुत ही फेमस प्लेस है एंड यहाँ पर सब एडवेंचरस लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ की प्लेसेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो बताने वाली हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिलवासा ये यूनियन टेरिटरी की सबसे बिगेस्ट सिटी है। ये दादरा एंड नगर हवेली में है और ये गुजरात के अंदर है। यहाँ जाने के लिए सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वापी। वापी से सिलवासा तक आप बाय ऑटो और इंटरसिटी बस होती है उससे जा सकते हो और आप डायरेक्टली सिलवासा जा सकते हो बाय ओन प्राइवेट व्हीकल। सिलवासा में काफ़ी सारे स्टेज के ऑप्शंस है फ्रॉम लो टू हाई रेंज एंड आप वो कोई भी साइट से बुक कर सकते हो। बट अगर आप बजट ट्रिप करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप वापी में ही स्टे करो। वहाँ कंपैरेटिवली प्राइस जो है वो लो है। जब मैं गई थी तब मैंने भी वापी में ही स्टे किया था। होटल ईजी रिट्रीट नाम था उसका। बहुत ही अच्छा होटल है ये विथ रीजनेबल कॉस्ट एंड एकदम क्लीन है। उनकी सर्विस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड मेन थिंग इज़ यहाँ पर आपको पार्किंग भी मिल जाएगी। मुझे तो ये होटल ईजी रिट्रीट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इफ़ आप भी अगर वापी में स्टे करना चाहते हो तो ये एक बहुत ही बेटर ऑप्शन है। तो आप चेक इन करके फ्रेशन अप होके चलते हैं साइट सीइंग पॉइंट की तरफ। इफ़ आप वापी से सिलवासा एंटर करते हो तो सबसे पहले आप जा सकते हो वनगंगा गार्डन। ये ऑन द वे ही है एंड यहाँ पे अंदर पार्किंग भी अवेलेबल है। यह एंट्री करने के 25 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस है एंड ये एक बहुत ही बड़ा गार्डन है। अंदर इन्होंने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे चीज़ें बनाई हैं लाइक ब्रिज, बहुत ही फोटोजेनिक है ये। देन छोटा सा लेक है जहाँ पर बोटिंग होती है। उसके चार्जेस कुछ अराउंड 250 रुपीज़ वगैरह है फॉर फैमिली। देन ये वुडन ब्रिज है एंड ऐसे और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर बनाई है अंदर। इफ़ आपके साथ किड्स है तो ये प्लेस एकदम परफेक्ट है उनके लिए बिकॉज ये बहुत ही स्पेशियस है गार्डन एंड अंदर उनके लिए खेलने के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है। एंड ऑल्सो गाइस यहाँ पर अंदर ही वॉशरूम भी है जो कि काफ़ी हद तक क्लीन था। लोग ज़्यादातर यहाँ पर इवनिंग में आना पसंद करते हैं बट हम इवनिंग में एक बहुत ही अमेजिंग प्लेस देखने वाले तो उसके लिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखते रहना। गाइज आफ्टर वॉचिंग वनगंगा गार्डन उसके सामने ही एक होटल है शिव भोजन करके। वहाँ पर बहुत ही अच्छी गुजराती थाली मिलती है तो इफ़ अगर आप आपका लंच करना चाहते हो तो आप वहाँ पर जा सकते हो। बट इफ़ अगर आपको एसी रेस्टोरेंट वगैरह चाहिए तो वो आपको मेन सिलवासा में मिल जाएगा। नेक्स्ट है सिलवासा वासोना लैंड सफारी। यहाँ पर भी प्रॉपर पार्किंग अवेलेबल है एंड यहाँ एंट्री टिकट है 25 रुपीज़ पर पर्सन अडल्ट। देन चिल्ड्रंस के लिए है 10 रुपीज़, फॉरिनर्स के लिए है 100 रुपीज़ एंड इफ़ आप अंदर वीडियोग्राफी वगैरह करना चाहते हो तो उसके चार्जेस भी है 100 रुपीज़। आफ्टर गेटिंग टिकट आप यहाँ पर वेट कर सकते हो। देन ऐसी बस आती है जिसके अंदर बैठ के हमें सफारी के लिए लेके जाते हैं। बहुत ही बड़ा एरिया है फॉर लायन। अंदर हमें सिर्फ एक ही लायनेस देखने मिली जो कि एकदम पास ही में थी। जू एंड सफारी का यही डिफरेंस मुझे अच्छा लगा कि सफारी में वो हमें केज के अंदर बंद करके घुमाते हैं इंस्टेड ऑफ उन्हें केज में बंद रखना। तो ये लाइन सफारी हार्डली कुछ 15 to 20 मिनट्स की होती है एंड आप बस में कोई भी साइड पर बैठ सकते हो लेफ्ट और राइट। ये पूरा राउंड ट्रिप होता है तो आपको दोनों भी साइड से अच्छे से प्रॉपरली देखने मिलता है। आफ्टर लाइन सफारी यहीं पर अंदर किड्स को खेलने के लिए प्ले एरिया है, देन वॉशरूम वगैरह है तो यहाँ पर आप रेस्ट करके जा सकते हो बाद में नेक्स्ट लोकेशन पे। नेक्स्ट लोकेशन है दादरा नगर हवेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसे सतमालिया डियर पार्क भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको रोड साइड व्हीकल पार्क करके गेट के बाहर ही टिकट काउंटर है, वहां से टिकट लेके जाना है अंदर। डियर पार्क की भी 25 रुपीज़ टिकट ही है पर पर्सन। अब टिकट लेके चलते हैं अंदर। ये भी एक सफारी राइड है, बस से हमें अंदर लेके जाते हैं एंड देन डियर्स वगैरह दिखाते हैं। एंड यहाँ पर काफ़ी अलग अलग टाइप के डियर्स है लाइक स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर एंड सो ऑन। एंड ये भी कुछ 15 to 20 मिनट्स की राइड होती है। ये दोनों भी सफारी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ।
बटरफ्लाई गार्डन डियर सफारी से कुछ ही डिस्टेंस पर है। यहाँ पर अंदर कोई भी एंट्री चार्जेस नहीं है। बड़ा सा गार्डन है विथ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स एंड ट्रीज, एंड यहीं पर अलग अलग आपको बटरफ्लाइज भी देखने मिलती है। इतने ज्यादा बटरफ्लाइज नहीं है एज ये ओपन गार्डन है, बट फिर भी आपको थोड़े बहुत बटरफ्लाइज यहाँ पर देखने मिलते हैं। यहाँ पर अंदर उन्होंने प्रॉपर सिटिंग एरिया वगैरह बनाया है बैठने के लिए, तो वहां पर आप बैठ के थोड़ा रिलैक्स वगैरह यहाँ पे कर सकते हो। अब बटरफ्लाई गार्डन से बाहर निकलते ही उसके अपोजिट साइड में एक म्यूजियम है, तो वो भी एक प्लेस है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ अंदर 10 रुपी एंट्री चार्जेस है, एंड अंदर फिश एक्वेरियम्स है, देन बर्ड्स एंड एनिमल्स की इंफॉर्मेशन दी है, देन ग्रीन हाउस है जहाँ पर अंदर अलग अलग प्लांट्स है लाइक कैक्टस वगैरह, एंड वॉच टावर है जो कि अभी फिलहाल बंद था, एंड ऐसी और भी चीजें हैं देखने जैसी, नाइट लाइफ एंड ऑल। अब बटरफ्लाई गार्डन एंड म्यूजियम देख के जाएंगे हम नेक्स्ट लोकेशन पे सनसेट देखने, दैट इज पैनारोमिक व्यू पॉइंट। पैनारोमिक व्यू पॉइंट एक छोटी सी जगह है, वहां पर आप रोड साइड गाड़ी पार्क करके अंदर जा सकते हो। अंदर छोटा सा गार्डन है जहां पर आप बैठ सकते हो एंड देन सनसेट एंजॉय कर सकते हो। वहां पर लोग आके छोटा मोटा स्नैक्स वगैरह खाते हैं ग्रुप में आके, तो आप वो वहां पे जाके कर सकते हो। एंड वहीं पर आपको दुधानी लेक का एक पैनारोमिक व्यू देखने मिलेगा जो कि बहुत ही ज्यादा सीनिक है। ऑल्सो आप यहाँ पर ऊपर चढ़ के इसका और अच्छे से व्यू देख सकते हो, यहाँ से आप आपका सनसेट जो है वो एंजॉय कर सकते हो। इफ अगर आपको सनसेट के टाइम पे बोटिंग वगैरह करना पसंद है, तो दुधानी बोटिंग पॉइंट करके एक जगह है, यहाँ से कुछ ही डिस्टेंस पर है। अगर आप पैनारोमिक व्यू पॉइंट से थोड़ा आगे जाके लेफ्ट में जाओगे तो नीचे ही वो दुधानी लेक बोटिंग पॉइंट ये जगह आ जाएगी, तो वहां पर आप जाके बोटिंग भी कर सकते हो। बोटिंग के चार्जेस है 400 रुपीज फॉर हाफ राउंड एंड 500 रुपीज फॉर फुल राउंड, एंड बहुत ही अच्छे से इन्होंने बोट्स को सजाया है, अंदर पिलोज वगैरह रखे हैं, तो आप बोट में बैठ के भी सनसेट जो है वो एंजॉय कर सकते हो। सो गाइज, ये थे प्लेसेस टू विजिट इन सिलवासा एंड उसकी सारी इन्फॉर्मेशन। ये आप वन डे में कवर कर सकते हो, बट इफ आप स्टे करते हो यहाँ पर तो आप नेक्स्ट डे और प्लेसेस यहाँ के घूम सकते हो, लाइक नक्षत्र गार्डन, देन हिरवावन गार्डन, ऐसे काफी सारे गार्डन्स है। और एल्स आप नेक्स्ट डे जा सकते हो दमन घूमने वापिस से, वो भी कुछ ही डिस्टेंस पर है। एंड इफ आपने अगर मेरा दमन का वीडियो नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक जो है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो भी आप वन डे में घूम सकते हो। सो गाइज, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, एंड आपको जो भी डाउट होगा वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। बाय दैट टाइम कीप ट्रैवलिंग विद तेजस्वी।